वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे करियर प्लस चैनल में। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यदि आपको नौकरी नहीं करनी है तो किसी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। किसी ने अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 63,350 रुपये सैलरी मिल रही है और वो लंदन में नहीं है, ये आपको उत्तर प्रदेश झांसी से खबर दिखा रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश झांसी से वैकेंसी इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर किसी ने अगर जो है बीएड कर रखा है यहाँ पर जो है ये, तो इसमें जो टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये 67,000 है ये, है ना, सॉरी देख लीजिए मैं तो बहुत कम बता रहा था। यहाँ पर जो है ये आपका 67,350 रुपये संविदा पे कौन सा स्कूल वाला दे देगा बताइए। और यहाँ पे सरकारी नहीं है, केवल कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो मतलब संविदा पे नौकरी है ये और अच्छा वैकेंसी। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप ये वैकेंसी का फॉर्म भरिएगा, अच्छा नौकरी यहाँ पर जो है। वही बात है कि हमको अगर नौकरी नहीं मिला तो हम किसी को वीडियो शेयर नहीं करेंगे, है ना, किसी का भला हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ कि भाई यहाँ पर जो है इस वाली साइड में यहाँ पर जाना है, साइड पे आपको जो इस वाली साइड पे जाना है ना, बाबू क्लियर कर दिया होगा। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे सोशल साइंस का वैकेंसी है ये। यहाँ पर आएंगे सैलरी की बात करेंगे, सैलरी यहाँ पर जो 67,350 रुपये सैलरी आपको मिलेगा। 21 से 35 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये है ना, और इसकी लास्ट डेट अभी चल रही है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है ये देख लीजिए एप्लीकेशन, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इज़ यहाँ पर जो सबमिट करना है 8 नवंबर 2024 तक, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए बता दिया गया था, तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म नीचे यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, एड्रेस सब कुछ दिया रखा है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक पहले से फॉर्म निकला था, फॉर्म ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी जो है मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं, ये है ना। तो फॉर्म भर दीजिएगा, अच्छा वैकेंसी 67,000 कहीं सैलरी आपको जो है नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है। वहीं पर एयरफोर्स कॉलेज की तरफ से भी यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया, एयरफोर्स में ये भी टीजीटी सोशल साइंस का है, ये रेगुलर पोस्ट है, ये सैलरी वगैरह सब मेंशन कर रखा है यहाँ पर, 43,000 सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट ये दे रखी है, और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा यहाँ पर जो है। और इसकी जो है एयरफोर्स कॉलेज की जो लास्ट डेट की बात करेंगे तो 3 नवंबर 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए यहाँ पर जो ये, और यहाँ पर 24 नवंबर को यहाँ पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पर इसमें सिलेक्शन में कराया जाएगा और रिटन टेस्ट भी होगा, ठीक है। सैलरी इसमें मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ये सब। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है लगभग सभी जनपदों से भर्ती आई है। विभाग का नाम क्या है, पंचायती राज, मतलब कि पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3 नवंबर 2024 की जो है वो लास्ट डेट है। बहुत से कहते हैं ये फर्जी होते हैं, फर्जी नहीं होता भाई, संविदा की नौकरी होती है। ऑनलाइन आवेदन आपको अगर भरना है तो भर दीजिएगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश की ये फॉर्म ये भरते कैसे, मैंने आपको बताया था सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और वहीं से ये सारी वैकेंसी निकलती है। संविदा की नौकरी होती है, आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होती हैं। ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भर्ती चल रही है यहाँ पर जो है, इसकी यहाँ पर 237 पदों पर जो है भर्ती चल रही है यहाँ पर जो है ये, और 3 नवंबर इसकी लार्जेस्ट कंपनी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर जो है ये। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे हैं, तो वो आउटसोर्सिंग वाली भर्तियाँ होती हैं ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएट कर रहा है, बीए बीकॉम कर रखा है, तो 237 पदों पर भर्ती इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो है ये। तो भाई सैलरी की बात करेंगे, सैलरी इसमें 13,776 रुपये सैलरी दी जाएगी। 21 से 45 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस इसमें नहीं है आवश्यकता, एक्सपीरियंस का अनुभव हो या ना हो डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर जो है ये कहाँ कहाँ से निकला है, बस्ती है सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, और इसे संत रविदास नगर, इसको लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी और हापुड़। इन जनपदों के आसपास यदि आप रहते हैं, इन जनपदों से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये वाला फॉर्म भरिएगा यहाँ पर जो ये सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके, और नीचे लिखा हो आवेदन करें और यहाँ पर जाकर टिक कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं आप लोग जो है। दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं दिल्ली सरकार के यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है, वैकेंसी इसमें आ चुका है यहाँ पर जो है ये, और 30 अक्टूबर यहाँ पर देख लीजिए 30 अक्टूबर जो है ये 2024 तक वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो निकाला गया है, ये एडेड कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट दिल्ली सरकार के, तो उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसका टीजीटी पीजीटी वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो है। सैलरी इसमें 7th पे के अनुसार सैलरी दी जाएगी, है ना। ऑफिशियल जो वेबसाइट ये दर्की है, और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं यहाँ पर जो है दिल्ली के, और एडेड कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जो उसी तरीके एडेड कॉलेज में यहाँ पर चौकीदार,
स्वीपर, माली और प्योन, ये सभी वैकेंसी आ गई इसमें एमटीएस की यहाँ पर जो है, और टीचर की वैकेंसी ये चल रही है। तो टीचर की और ग्रुप डी की नौकरी का विज्ञापन जारी हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से यहाँ पर जो। तो भाई देख लीजिए यहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है इस 7th पे के अनुसार सैलरी दी जाएगी यहाँ पर जो है ये। वहीं पर भाई लास्ट डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट डेट आपका जो 11 नवंबर 2024 तक है ना, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है ये। तो ये 11 नवंबर से पहला वाला फॉर्म भर दीजिएगा। स्कूल का नाम ये रखा है और न्यू दिल्ली के अंतर्गत एड्रेस दिया हुआ है, ये फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने इसके साइट पर जो विजिट किया था, विजिट में साइट पर ये दे रखा है यहाँ पर देख लीजिएगा, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। और 11 नवंबर से पहले ये वाला फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की तरफ से, यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से वैकेंसी इसमें आउट हो चुकी है। वहीं पर जो बात करेंगे यहाँ पे जो भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से भर्ती का विज्ञापन आउट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो 17 नवंबर 2024 है ये। और ये देख लीजिए 230 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से 10th पास, अगर हम 10th पास कर रखा है, लिंक वगैरह ये दिया हुआ है ये, है ना, इस वाली साइट पर जाइएगा और यहाँ पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। ये 230 पदों पर जो है वैकेंसी आ चुका है, ये जो है देख लीजिएगा पूरा वैकेंसी यहाँ पर पड़ा हुआ है ना। इसकी लास्ट डेट की बात करें मैंने आपको बता दिया, लिंक वगैरह सबको दिया है, ऑफिशियल साइट पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं आप रक्षा मंत्रालय का। अगर ये वाला नौकरी करना चाहते हैं कंडक्टर का, तो यहाँ पर कंडक्टर की भर्ती निकल चुकी है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये पर उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये आपका जो है ये हरियाणा से वैकेंसी सरकारी वाली भर्ती इसमें आ चुकी है। और यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो है इस वाली साइट पर जाकर ये भर सकते हैं आप लोग जो है। और यदि आप उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्टर भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं यहाँ पर जो इसमें चल रही भर्ती हैं 26 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट, अभी फॉर्म चल रहे हैं, 57 पदों पर वैकेंसी इसमें आ चुकी, लगभग सभी जनपदों से भर्ती आ चुकी है। यह आपका गौतम बुद्ध नगर से भर्ती आई है देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। फिर आपका जो गाजियाबाद से भर्ती आ चुकी है कंडक्टर भर्ती है आपकी, जो इसकी भी जो लास्ट डेट बात करें 26 अक्टूबर है, 62 पोस्ट यहाँ पर जो है। गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर लास्ट डेट बात करेंगे तो 57 है, वहीं पर जो 101 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई कंडक्टर भर्ती है जो है, यह आपका जो है बरेली से भर्ती का विज्ञापन इसमें आउट हो चुका है ये जो है। और ये 249 पदों पर वैकेंसी है, कम से 250 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर जो कंडक्टर भर्ती, यह आपका जो मुरादाबाद से आ चुकी है, फॉर्म भरना के हिसाब से भी जानते हैं। वहीं पर लखनऊ से 128 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। आपको करना है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है। मैंने अभी जो है एक दिन पहले वीडियो अपलोड करा था, बाल विकास पुरस्कार की तरफ से भर्ती का विज्ञापन आउट हो चुका है। ये जो आंगनवाड़ी भर्ती की बात चल रही है, यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती में लगभग जो है अभी डेट चल रही है 30 अक्टूबर लास्ट डेट, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिएगा। और आंगनवाड़ी भर्ती का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा, इसमें सुपरवाइजर भर्ती के बारे में भी बताया गया है ना, तो उसके भर्ती के बारे में देख लीजिए, ये वाला वीडियो 19 अक्टूबर वाला वीडियो देख लीजिए। कमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, जौनपुर में जो है कहाँ कहाँ पर हमारा जो है प्रचार है वैकेंसी इसमें आ चुका है भाई, यहाँ पे देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे कंडक्टर भर्ती जो है निकली हुई है, कंडक्टर भर्ती जो है लाइसेंस मांग रहे हैं कुछ लोग। देखो ड्राइवर के लिए तो लाइसेंस मांगेंगे, ड्राइवर के लाइसेंस चलाना आना चाहिए ना गाड़ी, और कंडक्टर के लिए कुछ नहीं लाइसेंस, ट्रिपल सी हो अब बस के बाद लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। एडेड कॉलेज में प्योर वैकेंसी आउटसोर्सिंग सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी बढ़ेगी सबका बढ़ेगा अभी ऐसी बात नहीं है। ये महाशय बोल रहे हैं कि कंडक्टर भर्ती यहाँ पर जो है ये 10 पोस्ट दिखा रहा है, फर्जी वैकेंसी आ रहे हैं भाई। आउटसोर्सिंग से नौकरियाँ जो होती हैं वो मैंने अभी आपको कनेक्ट पड़े इसी में दिखाई, ये आउटसोर्सिंग से नौकरी और सरकारी result.com पे ढूंढ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है। अरे भाई संविदा की नौकरी सरकारी result.com पे नहीं आती है तो बैठे रहिए फिर हाथ पर धरे हुए। गाजियाबाद में जो है कितनी वैकेंसी है, गाजियाबाद में देख लीजिए, ये वाला वीडियो देखिए, गाजियाबाद में सुपर की वैकेंसी निकल चुकी है, ये वाला वीडियो देखिएगा यहाँ पर जो कल रात का वीडियो देख लीजिए। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।